काशी नायर कांग्रेस कह रही है कि आंखों में से काजल खींच के निकाल दें। कांग्रेस तो केवल कहती है, उनको पता है कि वो बुरी तरह आ रहे हैं। इंडी गठबंधन की सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, सारे घुसपैठियों के घर जेएमएम के झंडे लहरा रहे हैं। राहुल गांधी आदि ट्वीट कर रहे हैं, साथ गारंटी भी दे रहे हैं कि इंडिया को वोट करेंगे तो संविधान की रक्षा होगी। वो आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, उनके कहने की गारंटी नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। लगातार हमने देखा हरियाणा चुनाव से शुरू हुआ, बटोगे तो कटोगे। नहीं, बटना क्यों चाहिए, एक रहना चाहिए सबको, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बात सच है। राहुल गांधी देश को बांटना चाहते हैं जात में, पात में। भाजपा का कहना पहले राष्ट्र बाद में कास्ट। 6 बार के सांसद, 6 बार के विधायक, 4 बार के मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इंडिया टीवी के साथ हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश में उपचुनाव चल रहा है, बुधनी विधानसभा सीट पर अभी वोट डालकर आए। सबसे पहले तो मैं अपील करूंगा आपसे, मैं अपने परिवार के साथ हमने वोट डाला है और जनता से मेरी अपील है कि लोकतंत्र में मतदान परम कर्तव्य है, अपना वोट जरूर डालें। बुधनी विधानसभा को आदत पड़ गई, इस विधानसभा को शिवराज सिंह चौहान की, मामा की, लाडले भैया की। अब प्रत्याशी नया कांग्रेस कह रही है कि आंखों में से काजल खींच के निकाल दें। भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग हैं, ये अपना परिवार है, परिवार का प्यार साथ है और अनुभवी नेता है रमाकांत भार्गव। भारतीय जनता पार्टी को रमाकांत जी को ही जिताएंगे और हम सब एक है पूरा परिवार, कांग्रेस कोई भी हो। कांग्रेस तो केवल कहती है, उनको पता है कि वो बुरी तरह आ रही है। अब बात कर लेते हैं, चूंकि झारखंड के आप प्रभारी भी हैं, क्या प्रमुख मुद्दे रहे हैं झारखंड में जिसे लेकर आप गए, जिसके लेकर बातचीत? झारखंड में वहां का कुशासन, विकास ठप हो गया, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी, ऐसा नंगा भ्रष्टाचार मैंने पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। नेताओं के घर से 350 करोड़ रुपए एक एक के घर से बरामद हो रहे हैं, भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं, लेकिन उसके साथ साथ रोटी बेटी और माटी तीनों संकट में है। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आज झारखंड के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। डेमोग्राफी बदल रही है, जनता चिंतित है, क्योंकि इंडी गठबंधन की सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, उनको बसाती है, आधार कार्ड बनाती है, वोटर लिस्ट में नाम लिखाती है, राशन कार्ड बनाती है, सारे घुसपैठियों के घर जेएमएम के झंडे लहरा रहे हैं। जनता ने तय किया है कि अगर झारखंड को बचाना है तो ये अंतिम मौका है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़े हैं, मोदी जी के साथ लोग। राहुल गांधी आदि ट्वीट कर रहे हैं, साथ गारंटी भी दे रहे हैं कि इंडिया को वोट करेंगे तो संविधान की रक्षा होगी। वो आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, उनके कहने की गारंटी नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। यहाँ आरक्षण की बात करते हैं, विदेश में जाते तो कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, तो कौन राहुल गांधी की गारंटी पे, कांग्रेस की गारंटी पे भरोसा करे। बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा रही झारखंड। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, इनने कहा था 5 लाख रोजगार देंगे, 300 भी रोजगार नहीं मिले ढंग से, और इसलिए झारखंड का युवा आक्रोशित है। पेपर लीक जैसी घटनाओं ने उसको और उद्वेलित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पंच प्रण में एक प्रण किया है, 2,87,000 सरकारी पद भरने का, 5 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजित करने का। तो लोग भाजपा के साथ, युवा भी भाजपा के साथ। अब जब भी शिवराज सिंह चौहान की बात आती है तो लाडली बहना का जिक्र जरूर आता है। गेम चेंजर योजना मध्य प्रदेश में भी रही, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, या बात करें छत्तीसगढ़ में, झारखंड में भी लाडली बहना जो है इम्पैक्ट दिखा रही है। लाडली बहना जो आप गोगो दीदी योजना के नाम से झारखंड में बनाई, लोग मोदी जी पर भरोसा करते हैं, बीजेपी पर विश्वास करते हैं। हमारी जहाँ जहाँ सरकार है, हम बहनों के खाते में पैसे डाल रहे हैं, तो विश्वास मोदी जी पर है, विश्वास भाजपा पर है, इसलिए लोग बीजेपी के साथ खड़ी, बहनें भी हमारे साथ। कांग्रेस कई जगह कॉपी करती है, वो नकल का ढोंग करते हैं, नकल भी नहीं करते, एक आध महीना दे दो और वोट ले लो, और इसलिए लोग उन पर विश्वास नहीं करते। बात आ रही है, लगातार हमने देखा हरियाणा चुनाव से शुरू हुआ, बटोगे तो कटोगे, ये एक पूरा कैंपेन एक तरीके से पूरा चल गया। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा एक रहोगे तो एक रहोगे, कैसे देखते हैं इसे, क्या है ये? नहीं, बटना क्यों चाहिए, एक रहना चाहिए सबको, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बात सच है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, बिखरेंगे तो बर्बाद होंगे, और इसलिए सब एक रहें। कांग्रेस बांटने की बात करती है, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को बांटा, और अब राहुल गांधी देश को बांटना चाहते हैं जात में, पात में। भाजपा का कहना पहले राष्ट्र बाद में कास्ट। तो अभी आपको क्या लगता है जेएमएम गठबंधन जो ये है और बीजेपी, क्या स्कोप दिखाई दे रहा है आपको लगातार?
प्रथम चरण में ही 2/3 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ झारखंड में इंडिया गठबंधन हार रहा है और बीजेपी गठबंधन NDA 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत से सरकार बना रहा है। मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण हो रहा है। एक आखिरी सवाल और आ जाता है, उद्धव ठाकरे का एक वायरल वीडियो चल रहा है जो उन्होंने खुद वायरल किया है, हेलीकॉप्टर से वो आते हैं, चुनाव आयोग के जो सदस्य वो तलाशी लेने की बात करते हैं, चेक करने की बात होती है, जो उन्होंने सवाल उठाए हैं, कैसे देखते हैं आपने वो वायरल वीडियो भी देखा होगा? चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है, जो उचित लगता है वो करते हैं, इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? अगर हम साफ हैं तो कोई तलाशी ले ले, क्या फर्क पड़ता है? क्या क्यों इस तरीके का उद्देश्य दिखाई दे रहे हैं? आपको लगता है महाराष्ट्र इम्पैक्ट कुछ है इस तरीके का? परेशान है, उनको भी पता है कि हार रहे हैं इसलिए इस तरह के बहाने बनाते। आम आदमी की भी तलाशी होती है, गाड़ियां रोकते हैं, चुनाव आयोग के लोग तलाशी लेते हैं, चुनाव आयोग के सामने कोई आम और खास थोड़ी है। आखिरी सवाल हो जाता है, डबल इंजन की सरकार झारखंड में बनने जा रही है? निश्चित तौर पर 2/3 बहुमत से। और महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में भी हमारे महायुति की सरकार बन रही है। ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका साफ तौर पर मानना है कि महायुति की सरकार महाराष्ट्र में और झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कैमरा मैन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया TV, जयंत बुंदी।